हेलो दोस्तों, आज मैं जीरो पे हूँ। आज सुबह को आया था ईटानगर से जीरो, और मेरा 2 दिन का प्रोग्राम है जीरो पे। और जहाँ जहाँ मैं विजिट करता हूँ आपको मैं एक्सप्लोर कराता हूँ। आप सब बने रहिए मेरे चैनल में, और मेरा ईटानगर टू जीरो का ब्लॉग आप देख सकता है मेरा यूट्यूब प्रीवियस ब्लॉग में। तो ये है एलवाई रिजॉर्ट का मेन गेट। तो हम 2 दिन तक जीरो में एलवाई रिजॉर्ट पे ही बैठने का प्रोग्राम बनाया है। तो ये है आपका डाइनिंग कॉम रिसेप्शन काउंटर। साइड काली काली है, साइड बाहर में है स्टाफ लोग। रिजॉर्ट का यहाँ से देख सकता है, देखो कीवी का गार्डन भी साथ में है। देखो पूरा कीवी निकला हुआ है लेकिन पका नहीं अभी तक। सब हार्ड लॉक सेम है, और मैं आपको जो रूम में लिया हूँ उस रूम का मैं वॉक अराउंड कराता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का है। आपको इवन यहाँ पे सैंडल भी दिया है, रूम सैंडल देख सकता है। और इसके बाद आपका ये बेड को देखिए, नीट एंड क्लीन है, एक ओपन कवर्ड है। इसके बाद 2 चेयर, टीवी, और यहाँ से है बालकनी जिसपे नू बैठा हुआ है। तो यह है नू, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। इस तरह का है नज़ारा, कुछ इस तरह का है एलवाई रिजॉर्ट का प्रॉपर्टी। जो वहाँ पे पार्किंग, रिसेप्शन काउंटर, रूम लॉक, छोटा छोटा हट बनाया है, और एक हट का प्राइस 3 to 4000 है। तो हम लोग जा रहा है ओल्ड जीरो टोर घूमने जाएगा, टोर एक्सप्लोर करते हैं। 2 दिन तो एक्सप्लोर करने ही आया, तो चलो लेट्स बिगेन। बहुत दिनों के बाद आज फिर से कासा रिजॉर्ट पे आया है, और हम लोग ये बोटेनिकल गार्डन को थोड़ा एक्सप्लोर करने जाएगा। ये है बोटेनिकल गार्डन, ये चिल्ड्रेन पार्क, और यहाँ पे बहुत सारा नया नया एक्टिविटी इंक्लूड किया गया है। और वहाँ पे आई लव जीरो का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, लास्ट टाइम नहीं था ये। इसमें मैं कई बार चल चुका हूँ, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे वुड नहीं था, अभी वुड डाल दिया है। उसका चलते मुझे तो डर नहीं लग रहा है। चलो फिर भी एक्सप्लोर करने में मज़ा है। ये कोई दूसरा आने वाला है, लोगों को ग्रुप है ना, और इसलिए वहाँ पे मस्ती चल रहा है। वाह, हम लोग कासा से निकल रहा है सीके लेक के लिए। यहाँ से ज़्यादा दूर पे नहीं है सीके। तो उतना आदमी नहीं है, भीड़ बहुत कम है बाकी इसमें, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रहा है थोड़ा बहुत, उसका चलते आज टूरिस्ट तो दिख ही नहीं रहा है। और ये जो बोट देख रहा है ना, बोट मोटर वाला बोट जो है पर पर्सन 100 है, तो देखते हैं हम लोग भी एक चक्कर मार लेगा। ये लो भाई, एंजॉय योर डे, एंजॉय एंजॉय। ओश, इतना सारा मछली, वाह। तो हम लोग बोटिंग में बैठ गया है। नू देखो, वाह, पेडलिंग करता है, उसका 2 बोर्ड है यहाँ पे। हम लोग तो मोटर वाला में सुपर फास्ट, पर पर्सन 100 है, 50 रुपीज। जीरो वाटरप्लाई पार्क जो रिसेंटली खोला है। ये वाटरप्लाई पार्क जो सीके लेक का जस्ट बगल में है, मैं थोड़ा पहले वहाँ पे बोटिंग कर रहा था। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर प्लांटेशन किया है, एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग निकल रहा है बटरफ्लाई पार्क से,
रिजॉर्ट के लिए बहुत पहले आने से टिकता एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तो फ्लावर लोग भी सूख गया है, तो पहुंच गया है एलवाई रिजॉर्ट पे। तो आज हम लोग डिनर में प्लान किया है कि लोकल फिश खाएगा बोल के। तो यहाँ का लोकल फिश हम लोग इसी फिश पॉन्ड से ही पकड़ेगा, ये एलवाई रिजॉर्ट का ही फिश पॉन्ड है। तो यहाँ से हम लोग मछली पकड़ेगा। वाह अच्छा से पिलाया है, बढ़िया। वाह वाह बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। अरे बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस तरह का है साइज भी। वाह ये देखिए। तो हम लोग है अभी डिनर पे, और ये जो है हम लोग पकड़ा था ये है फिश, और साथ में है लोकल वेजिटेबल बॉयल, सलाद, पापड़, डिनर के लिए परफेक्ट, और दाल है। तो दूसरा दिन एलवाई रिजॉर्ट में, तो हम लोग ब्रेकफास्ट में है। तो हम लोग मंगाया है मैगी नूडल्स, ब्रेड टोस्ट, और ये लेमन टी। तो हम लोग जा रहा है सी लेक को एक्सप्लोर करने। तो ये है सी लेक का एंट्री। तो हम लोग पहुंच गया है सी लेक। आज तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहा है, गाड़ी भी बस तीन गाड़ी ही पार्क है। बोटिंग ही मजा है, बोटिंग ही मजा है, मोटर वाला ही मजा है ना, सी लाइफ जैकेट बोट। अरे बारिश आ रहा है तो ये है एल वाई रिजॉर्ट जहाँ पे हम दोनों ठहर रहा है, वहाँ से हम लोग फोटो खींच रहा था तो सी लेक को। तो ये है सी लेक, हमने बोटिंग राइड भी कर लिया है। अभी हम लोग जाएगा तारिंग फिश फार्म। स्पॉन को विजिट करेगा सोचा था, लेकिन यहाँ पे साइन बोर्ड लगा है कि बंद है 27 मई से 31 जुलाई तक बंद है। चलो कोई नहीं, हम लोग अभी जा रहा है सिबलिंग को एक्सप्लोर करने। टरिंग पे स्पॉन गया था, लिली गार्डन को एक्सप्लोर करेगा सोचा था, वो तो चौपट हो गया। हम लोग सिबलिंग से निकल गया है, तो हमने रोड अपनाया है सिबलिंग टू हिजा रोड जो ओल्ड जीरो सीधा निकलता है। और ये रोड को खासकर बहुत लोग यूज़ नहीं करता है, रोड थोड़ा नेरो है, खासकर टूरिस्ट लोग तो यूज ही नहीं करता है। तो हम लोग चलो एक्सप्लोर करते हैं ये रोड को। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर ड्राइव के बाद हम यहाँ पर एक व्यू पॉइंट मिला है, और इस व्यू पॉइंट से आपको ओल्ड जीरो का नज़ारा दिखाई देता है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का बाद आपका हिजा बस्ती है। यहाँ पे मिठुन है माँ और बेटी, माँ और बेटी है। हम लोग निकल गया है यहाँ पे हाईवे पे, जीरो का रोड को मिल गया है। बस्ती में बहुत घुमा है, मज़ा लग गया। तो हम लोग पहुँचा है अपटानी किचन में, ये ओल्ड जीरो पे है नियर हेलीपैड। तो यहाँ पे हम लोग आज अपटानी लोकल थाली खाने आया है। ये है अपटानी लोकल थाली, और जो दो बोल राइस का देख रहा है, एक बोल है ये पीला राइस चिकन लोकल, और आपका पीके पीला है।
लंच करने के बाद थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करेगा बोल के हमने प्लान किया है, तो हम लोग जा रहा है खमले डिस्ट्रिक्ट का रोड जहाँ से आप जाता है बुआसमला थामिन और रागा डापोरिजो। डापोरिजो 142 आलो पंगिन बहुत दूर दूर है ऐसे। तो आज है तीसरा दिन, जीरो में दो दिन बीतने के बाद हमने एलओए रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया है। तो आज का सफ़र होगा जीरो टू ईटानगर घर की ओर। तो मेरा ब्लॉग को भी मैं यहाँ पे एंड करते हैं, तो आप सब बने रहिए मेरे चैनल में मेरे अगले रोड ट्रिप में। बाय बाय, टेक केयर।